तो यार आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग दिखाने वाले आपको मनाली। मनाली में आप क्या क्या कर सकते हो। मेरे साथ में आज सुमन, और स्टार्ट करते हैं वीडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज बोन बाइकर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यार ये सब के लिए हम लोग एक ही बाइक पे जाने वाले हैं। चलते हैं अभी और मिलते हैं आपको आगे। अभी हम लोग निकल चुके हैं, मतलब एक ही बाइक पे निकले हैं, और आवाज़ शायद सुनाई नहीं दे रही होगी, तो एक ही बाइक पे निकले हैं। चलते हैं अभी आगे। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में। एक्चुअली बाइक पीछे हम लोगों ने पार्क कर दी, पेड पार्किंग थी यहाँ पे, और यहाँ पे बाइक लेके आना या व्हीकल लेके आना अलाउड नहीं है। सो मंदिर पहुंच चुके हैं, अभी आपको दिखाते हैं और मंदिर के एक बार दर्शन कराते हैं। कोशिश करते हैं कि यार यहाँ पे जो प्राचीन या फिर कोई भी हिस्टोरिकल अगर कोई भी स्टोरी है तो एक बार पता करके आपको बताए, तो होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं आगे। तो यार यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है जो कि बहुत फेमस है, जो कि है गर्म पानी का, मतलब स्रोत जिसको बोलते हैं, जो कि आप देख सकते हो। मतलब मैं तो ऑलरेडी फ्रेश हो चुका हूँ अच्छे से, तो नहाने का भी अपना तो नहीं है, बट एटलीस्ट ये करेंगे कि थोड़ा सा पानी अपने ऊपर डाल लेंगे। तो यार जो भी आपने देखा मेरे पीछे, ये था वशिष्ठ जी का मंदिर। काफ़ी फेमस डेस्टिनेशन है अगर आप मनाली की साइड आते हो। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे और मिलते हैं आपको वहीं पे। तो यार अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेस नंबर टू, जो कि है जोगिनी वाटरफॉल्स, और यहाँ से ऑलमोस्ट जो वशिष्ठ टेम्पल था उससे 1.5 किलोमीटर ही आगे है। तो चलते हैं। तो यार अभी मैं पहुंच चुका हूँ डीप इन दी फॉरेस्ट ऑफ वुड्स, और यहाँ पे मतलब आसपास दूर दूर तक बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, देखना एक बार।
और बाल यार पता नहीं क्यों बार बार बिगड़ जा रहे हैं। तो यार काफ़ी सारे ट्रैक के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 2-2.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ जोगिनी फॉल्स। मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब कहीं पे फॉल है, ऊपर भी फॉल है। इस बार अपने पास ड्रोन नहीं है तो आपको ड्रोन शॉट नहीं दिखा पाएंगे, बट कोशिश करेंगे बेस्ट टू बेस्ट शॉट्स जितने भी हो दिखा पाए, जितना भी जोगिनी फॉल्स है वो आपको दिखा पाए। दिस इज़ द प्लेस नंबर 2 जो कि मैं आपको रेकमेंड करूँगा जब भी आप मनाली आते हो या थिंग्स टू डू इन मनाली के अंदर आप यहाँ पे आ सकते हो। दिस इज़ द परफेक्ट डेस्टिनेशन और काफ़ी मज़ा आएगा यार जब आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आओगे। तो एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। तो यार अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिया है एप्पल्स, मतलब यहाँ पे एप्पल्स मतलब सेब का रेट अगर मैं आपको बताऊँ 10 रुपये में 2, 20 रुपये में 4 ऐसे है। तो यार अभी हम लोग रुके थे यहाँ पे, रास्ते में एक कैफ़े पड़ा था एपिडोर कैफ़े करके, एंड गाइस काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, एक तो लोकल राजमा चावल एंड सेकंड थिंग यहाँ के जो एप्पल्स है, सेब है, बहुत फेमस है। जब भी आप आते हो एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन पे। और अभी चलते हैं वापस और आपको लेके चलता हूँ मैं 3rd पॉइंट पे जहाँ पे आपको जाना ज़रूरी है जब भी आप मनाली आते हो। तो मिलते हैं आपको आगे। तो यार अभी मैं आ चुका हूँ प्लेस नंबर 3 जो कि आप मॉल रोड, काफ़ी जगह पे होता है, हर जगह पे होता है। मतलब अगर आप टिपिकली प्लेसेस पे जाओगे माउंटेन्स एरिया में, शिमला में भी, मनाली में भी, मैक्लोडगंज, धर्मशाला, हर जगह पे आपको मिलेगा। थोड़ी भीड़ है यहाँ पे बट जब भी आओगे तो काफ़ी शॉपिंग वगैरह कर सकते हो आप, काफ़ी चीज़ें ले सकते हो यहाँ पे। तो अभी चलते हैं आगे, कुछ लेते हैं, कुछ देखते हैं। तो यार यहाँ पे आने के बाद मैंने एक चीज़ और देखी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव दिखते हैं। और मैं भी बनवा रहा हूँ एक, क्या बोलते हैं क्या भैया इसको यार, कुछ मतलब पेंटिंग काइंड ऑफ थिंग है। और मतलब मैंने भी अपने चैनल का कुछ बनवाया है, बनने के बाद दिखाता हूँ आपको कैसा लगता है। और तब तक कुछ डिज़ाइन देखो आप। तो यार फाइनली जो आर्ट थी वो पूरी हो चुकी है और फाइनली देखो रिजल्ट कुछ ऐसा आया है। और अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो यार अभी मैं आ चुका हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है हडिम्बा देवी टेम्पल। और यार ये भी वन ऑफ द पॉपुलर डेस्टिनेशन में से है अगर आप मनाली विजिट कर रहे हो, टॉप 5 प्लेसेस में से है अगर आप विजिट करते हो मनाली। अभी मैं चलता हूँ अंदर मंदिर के और दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि जो भी हो देखो। यार यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब काफ़ी ज़्यादा रश है वैसे तो एक चीज़ मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा, जब आते हो टाइमली आओ, सुबह आओगे तो रश नहीं मिलेगा आई थिंक, बट अभी तो बहुत ज़्यादा रश है।
तो यार अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट प्लेस जो कि है रोप क्लाइंबिंग। तो यार देखो हम आ चुके हैं अभी। भैया नाम क्या है इस चीज का? मेरा नाम चंदन शर्मा। आपका नाम चंदन शर्मा है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम जिप लाइन। जिप लाइन, ठीक है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं जिप लाइंग और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो चलते हैं। तो यार अब अपन सेट करते हैं सेफ्टी गेट पहले। तो लो भाई सेट है अपना मामला सारा, अब हम लगेंगे इसमें। इसको पकड़ सकते हैं? ए नहीं पकड़ना। अच्छा ये पकड़ना, ऊपर हो जा, ऊपर भाई ऊपर हो जा इसको। ओ यार ऊपर हो जा सवार, ऊपर चल भाई सो जा, रुको सो बस हो गया। ये भाई देखो मैं कहाँ जाने वाला हूँ, आगे पहुँचने वाले हैं। मोटी ब्रेक लगाई है भाई आप लोगों ने तो है। ब्रेक हो दिख रही है, रिलैक्स होके। हाँ एक मिनट भाई, बेल्ट खोलनी पड़ेगी ना, तभी उतरोगे, ऐसे तो आप लटके रहोगे। ब्रेक तो आपने गलत ही लगा रखी है देखो भाई, ऐसे तो चलो ठीक है भैया, आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। चलते हैं अभी वहां पे अनलोड करते हैं। जय शंकर भोलेनाथ शंभू। तो यार अपनी जिप फ्लाइंग हो गई है कंप्लीट और भाई मतलब मजा आया फुल ऑन। अच्छा यार इसमें कोई रिस्क रुस्क तो नहीं होता ना? रिस्क भाई कोई रिस्क नहीं होता इसमें, बस आराम से बेल्ट बांधो, चलो चलो एंजॉय करो। बिल्कुल। तो यार आज की वीडियो में गाइज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बूम।